अभी आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका क्या है, वो आपका है इक्विलिब्रियम। देखो परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में आप डिफरेंट मार्केट पढ़ लिया, सब में क्या क्या कमियां होती है सब आपने देखा। परफेक्ट में क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, सेलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पढ़ा था आपने। अगर आपसे पूछा जाए डिमांड का वो कैसा होता है तो क्या बोलोगे, परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, देखा होगा, ठीक है। और क्या होता है परफेक्ट के बारे में, क्या बता रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, कोई आए कभी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर इंडस्ट्री होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई क्रॉस कर दे, स्ट्रेंथ जो उनकी पावर है डिमांड सप्लाई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस डिसाइड हो गया। अब देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या, आपके पास दो अप्रोच चीजें आपने पढ़ी होगी, टी आर एंड टी सी, और आपकी दूसरी एम सी और एम आर। तो पहले टी आर एंड टी सी देखते हैं। इक्विलिब्रियम देखो, कोई भी जो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी जो आपका प्रोड्यूसर है कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, तो देखिए सबसे पहले जो टी आर और टी सी है दो जगह वो इक्विलिब्रियम में होगा। एक तो उसका हो रहा हो मैक्सिमम थ्रो, क्या हो रहा हो, ठीक है। अब देखो ये वाला ग्राफ, इसको अच्छे से समझना आप, ये जो ग्राफ है इधर आपका आउटपुट दिखा रखा है, इधर आपका रिवेन्यू कोर्स दिखा रखा है, दोनों चीजें इधर आपका क्या दिखा रखा है, ये आउटपुट और ये प्रॉफिट दिखा रखा है, ठीक है। देखिए कोर्स आपकी हमेशा फिक्स कोर्स होती है तो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, कंफर्म है। ये आपका कोर्स होगा, कोर्स का होगी यहाँ से चला, ये चला और यहाँ से चलते हुए ऐसे आगे कोर्स ऐसे आ गए, ठीक है। यहाँ से आपका रिवेन्यू बढ़ा, रिवेन्यू बढ़ा, ये वाला पार्ट यहाँ तक था लॉस का, था लॉस का, समझ रहे हो, फिक्स कॉस्ट, ये तो पार्ट हो गया आपका लॉस का। ये आ गया आपका क्या, रेगुलर पॉइंट। अब ये यहाँ से आगे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, ये वाला पार्ट प्रॉफिट का हो गया ना, और यहाँ पर जाके ये मैक्सिमम हो गया, ठीक बात है। वापिस फिर ये कम होना लग, होने लग गया, फिर से रूल आपने सारे पढ़े, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंट सब पढ़े, और ये देखो कोस्ट अब ज़्यादा बढ़ने लग गई, और ये जाके फिर से ब्रेक इन पॉइंट आगे फिर लॉस हो गया। एज पर दिस टी आर एंड टी सी अप्रोच, एक प्रोड्यूसर वहाँ की बिल्डिंग में होता है जहाँ उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होता है, तीन दोनों का गैप ज़्यादा इस पॉइंट पर, ये जो टी और एल पॉइंट है, तो ये देखो आपका मैक्सिमम, ये देखो ये वाला लॉस था पहले, ये प्रॉफिट का है, करूंगा एक बार आप देखो एक बार ये क्या है प्रॉफिट का है। तो पहले तो आपका लॉस हो रहा था, लॉस नीचे से आएगा, लॉस नीचे से करके ऐसे आएगा, और जहाँ पर ये गैप ज़्यादा होगा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, या देखो फिर से कम होने लगा तो भी कम हो गया, ऐसे समझते हैं। तो टी आर टी सी भी क्या होता है, एक जो प्रोड्यूसर होता है वो वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, पहले समझ में आया आपको। लेकिन कई बार केस क्या होता है कि जैसे लॉकडाउन का केस था, तो उसमें कई बार सोचता है कि जैसे हमने भी दिया है रेंट दिया है बिना बच्चे के बिना होके, अब मैंने इसके 6-7 महीने कराया दिया है, तो हम लोगों को क्या था कि मिनिमम लॉस उठाना पड़े, मिनिमम लॉस का मतलब मैं इसके जो फिक्स एक्सपेंस इतना उतना ही लॉस होगा, वेरिएबल कॉस्ट ना करनी पड़े। तो उसमें क्या था आपका, देखिए दूसरी जो आपको चीज़ है, आप देखो ध्यान से देखिए पूछना है तो बताओ, ठीक है। दूसरी कॉस्ट है उसके सीधे ना आपका इतना रिवेन्यू तो आए कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर दो, यानी मिनिमम लॉस किस चीज़ का हो, फिक्स कॉस्ट। तो ये उस कंडीशन में भी क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम, ये देखो ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा, कॉस्ट कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, आपको पता है ये वाला, ये चला आपकी कॉस्ट है ना। अब ये देखो ये आपका है क्या टोटल रिवेन्यू, ये वाला गया, और ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी देखो ध्यान से देखिए टोटल रिवेन्यू नीचे चल रहा है ना, अभी मतलब लॉस ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ इस पॉइंट पर आके इसको टच कर गया, यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और जो लॉस हो रहा है वो किसका हो रहा है आपका, इसका फिक्स कॉस्ट का हो रहा है। ये आपका क्या होगा, आपका मिनिमम, मतलब ये भी आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा टी आर एंड टी सी अप्रोच का। आगे से मिलते कुछ डाउट तो नहीं है, ठीक है, हाँ जी बताइए। ये तो मिनिमम का लॉस का है, टोटल मिनिमम लॉस टोटल फिक्स कॉस्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम लॉस ये तो होना ही है, ठीक है। मतलब भाई इतना तो आपको रिवेन्यू आए कि आप वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाए, और इस केस में कर पाएंगे, उस केस में आपको टोटल रिवेन्यू जो है आपका वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब जो जहाँ पर गैप ज़्यादा होगा टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट वहाँ से प्रॉफिट होगा, और यहाँ पर इक्वल आ जाए तो होगा मिनिमम लॉस होगा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए,
ये अप्रोच तो ज्यादा कुछ चलती नहीं है, बंद हो गई आपको याद भी नहीं रहेगी, नजर तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। मेन अप्रोच ये, एक बात सुन लो बस मेरी, दो कंडीशन है आपकी, उससे पहले आप, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर हो कुछ भी, चाहे परफेक्ट हो, चाहे आप मोनोपोलिस्टिक में बात कर रहे हो, चाहे मोनोपोली बात कर रहे हो, चाहे ओलिगोपोली बात कर रहे हो, चाहे कुछ और बात कर रहे हो, सभी की कंडीशन रहेगी दो ही, एमसी इक्वल टू एमआर, एमसी कर्व कट्स फ्रॉम द एमआर फ्रॉम द बिलो, ये है ना। याद रहे एक बात जो मैं अभी बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये मैं अभी कराऊंगा, ये जो है ना आपकी, ये जो कंडीशन है एमसी इक्वल टू एमआर, इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। वहां पर एग्जाम्पल ऐसे भी मिल जाता है कि ए आर माइनस ए सी, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है क्या, नहीं, आप क्या बोलोगे, एम सी इक्वल टू एम आर, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, पहले ये फुलफिल हो, दूसरी आपकी निश्चित फिट हो, ठीक हो, आ जाओ, ये देखिए आपके पास, ये आपके पास आया कंडीशन एम सी इक्वल टू एम आर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ये सेकेंड की एम आर फ्रॉम दी बिलो, ठीक है, नीचे से आपका क्रॉस करें। अब देखो यहाँ से देखिए, मैंने अभी बताया आपका जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें आप अपना आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं, प्राइस आपकी इंडस्ट्री डिसाइड कर, प्राइस में चेंज करोगे इन्फिनिटी तक चेंज आएगा या जीरो तक चेंज आएगा, तो आपका जो रेवेन्यू कर्व होगा वो इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा आपका रेवेन्यू कर्व आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, आई बात समझ में आया, और एवरेज रेवेन्यू भी आपको यही मिलते हैं, हमारे रेवेन्यू भी अभी दिखा देंगे आपको, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू भी यही है आपका, हमारे रेवेन्यू भी यही है, और आपका प्राइस भी यही है, सब कुछ यही है, ठीक है। एक बार देखिए, ये आपका एक आउटपुट है, आपको पता है कि आउटपुट पे जाने के बाद आपकी कॉस्ट कम होती है, मार्जिनल कॉस्ट का कैसा होता है, तो बना दो यूसी अपडेट, इस पॉइंट पर आपका क्या एमसी इक्वल टू एमआर है, ये एमआर कब है, इस पर एमसी इक्वल टू एमआर कब है या नहीं है, इस पे भी आपका एमसी इक्वल टू MR, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो फुलफिल हो गई, यहाँ पर भी आपका है MC equal to MR, लेकिन अभी आपकी कॉस्ट कम हो रही है, और कॉस्ट कम होनी बाकी है, इसलिए क्या है सेकंड ऑर्डर कंडीशन साथ में लगेगी कि MC का इक्वल टू MR तो हो, लेकिन इसके साथ में नीचे से काटे, ये आपका क्या होगा इक्विलिब्रियम, आई समझ में मुस्कान, क्लियर हो गई सभी को, क्लियर है MC equal to MR और MC curve from the MC curve ठीक है, ये ऑनलाइन में समझ में आया भाई, MC इक्वल टू MR और नीचे से काटे, ये दो बेसिक कंडीशन है। अब बात आती है इसका जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रॉफिट कमाता है, सुनिए वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, एक परफेक्ट कंपटीशन में जो फॉर्म होती है शॉर्ट रन में तीनों चीजें कमाती है, कौन कौन से, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और मिनिमम लॉस, यही मोनोपोली, क्या मोनोपोली लॉस में बेचना पसंद करेगा, करेगा, शॉर्ट रन में बेचेगा, शॉर्ट रन में बेचेगा, अब लॉकडाउन में तो बंद करके बैठ जाता दुकान, ट्रेन रेलवे थी उसने लॉस उठाया नहीं उठाया, मतलब क्या है शॉर्ट रन में वही तीनों चीजें मोनोपोलिस्टिक की बात है, लेकिन लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट कमाएगा, नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल सुपर नॉर्मल, यही बात याद रखनी है आपको, जो ये सब ये ना आपके एग्जाम की क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ, आगे फुल कंसेप्ट पर बात करेंगे, लेकिन एक बार अभी इनको कोरिलेट करके कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में तीनों, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल, ठीक है, उसमें पर आपने उसमें मोनोपोली में पर आपका शॉर्ट रन में तीनों, लॉन्ग रन में सिर्फ आपका सुपर नॉर्मल, और आपका मोनोपोलिस्टिक की बात की जाए तो वो क्या करेगा, शॉर्ट रन में तीनों, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, याद रहेगी, आगे आप डेप्थ में पढ़ेंगे, आप देखते चले जाओ, हैं ओलिगोपोली बेसिकली मोनोपोली होती है, मतलब ज्यादा वही है कि जो पोली का मॉडल लेते हैं वो, तो उसमें आप उसका नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हो, डिपेंड करता है कि किस तरीके, वहां पर भी ना एक कंडीशन और साथ में लग जाती है, आप वहां पर कंपटीशन कर रहे हो एक दूसरे के साथ या इकट्ठे रह रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, कंपटीशन करोगे तो नहीं कमाओगे, और अगर आप
कोऑपरेट कर रहे हो तो उसको कॉर्पोरेट बोलते हैं। ठीक है, वो उनको डिपेंड करता है किस पे जाते हो, मोनोपोली की तरफ चल रहे हो या मोनोपोलिस्टिक की तरफ चल रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, याद रहे वहां पर ना आपको प्राइस और आउटपुट कुछ भी डिसाइड नहीं होता, वो देखेंगे आप उसको पढ़ेंगे। अब ये देखो, ये मैं बता चुका हूँ, उसको ऊपर से काट रहा था, नीचे से इसको नीचे भी काट रहा था, तो आपको कंडीशन समझ में आ गई कि कैसे क्या होता है। ओके, अब देखो आपका क्या है कि एक तो शॉर्ट रन होता है और एक आपका होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या क्या कमाता है बता दोगे आपको? शॉर्ट रन में आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएगा और मिनिमम लॉस भी कमाएगा। लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुछ भी कर, ऐसा क्यों हो रहा है वैसे बताइए आप, टेक्निकली बताइए कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। सप्लाई देखी थी ना आपने, एक तो आपने देखा यही है, यही सप्लाई सारा दूध एक जैसा है, देखा होगा ना आपने, मतलब बिट्टा के बहुत सारे एक साथ 50 दूध लगे हैं, कुछ खरीद लो आप वहां से, है ना, आप वहां से क्या कर लो कुछ भी खरीद लो, सभी को एक जैसे 28 रुपए मिलते, 28 रुपए मिलेगी, जितना बचेगा मतलब जितनी बिक्री उतने बिकेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा कि एक ही दुकान के पास जाना पड़ेगा और रेट, अब मान लो अगर मान लो खत्म हो गई है, खत्म होने पर है डिमांड ज्यादा तो रेट बढ़ जाएगा, आई समझ में। और तो इसमें क्या आपका सुपर नॉर्मल भी कमाएगा, मिनिमम लॉस भी कमाएगा, लास्ट में जब शाम हो रही होती है सब्जी वाले क्या करते हैं फोन कर देते हैं, एटलीस्ट उनको वो लॉस ना हो, लॉस उठा देते हैं, और आपका नॉर्मल लॉस भी कमाएगा, लॉन्ग रन में भाई अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनके ग्राफ मैच करेगा कि कैसे बनता है। कंडीशन आपकी ये रहेगी, चाहे कुछ भी कमा रहा हो कंडीशन ये रहनी है, कंडीशन आपकी यही रहेगी, लेकिन क्या ऐड हो जाएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री वहीं पर निर्भर करेगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, जो आप कर रहे हो तो एक इक्वल से हो जाए, और कोई भी फर्म ना तो बाहर जाना चाहती है ना आना चाहती है ना आउटपुट में चेंज करना चाहती है, तो ये इंडस्ट्री की इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, किसमें परफेक्ट है, पहली क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई से इक्वल हो जाए, कोई और फर्म ना तो ज्वाइन करना चाहती ना बाहर जाना चाहती और ना ही अपना आउटपुट में चेंज करना चाहती। अब देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनेगा, देखो अभी आपने पढ़ा नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है MC इक्वल टू MR, और आपने क्या पढ़ा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है आपका, तो एक बात याद रखना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में, मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट की, तो सबसे पहले परफेक्ट का ग्राफ बन गया, बन गया, ये क्या है आपका, ये आपका है MR, ये आपका P, और क्या है सब कुछ यही है। कंडीशन फुलफिल हो गई, इक्विलिब्रियम आपके पास आ गया, हमें क्या दिखाना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए, जो AR है ना एक कंडीशन फुलफिल कर दो, AR को ज्यादा कर दो किससे, इससे AR को किससे ज्यादा कर दो, इससे से ज्यादा कर दो, ये क्या आपके पास AR हो गया आपके पास। अब अभी इसको ज्यादा दिखाना है, यानी आप क्या कर दिए नीचे दिखा दीजिए, यहां से आप क्या दिखा देंगे, ये जो पार्ट आपका देखिए आपका सुपर नॉर्मल, आई समझ में आ रही है, समझ में आ गई वाली बात। ठीक है, यानी कि AR आपका इस केसेस में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई। अब मान लो आपका AR और AC एक दूसरे के इक्वल हो जाए या MC इक्वल टू MR हो जाए, मींस आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका AR ज्यादा हो रहा है AC से, एवरेज डिमांड पर यूनिट, मतलब आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, आ जाओ वापस, देखिए ये क्या आपकी AC है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये क्या था आपका एवरेज रिवेन्यू, ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना आपका, आपको पता है इन दोनों का जो डिफरेंस आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, माइनर कॉस्ट ने आपने देखा था ऊपर से हमने कट कराया था इस वाले पॉइंट पर, जहां पर भी ऊपर उस कर रहा है, इस पे
AR या MC MR के साथ कट कराएगा। MC ये आपका MR भी तो है ना, माल रिवेन्यू को कट करा दिया और इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या गया, सुपर नॉर्मल। समझ में आ गई ये वाली बात, समझिए आपने कॉपी में ग्राफ बनाई सबसे पहले। शाबाश, आप लोग भी बनाइए ऑनलाइन वाले, ध्यान से देखिए भाई हमने क्या करना है। हमने ये फालतू और चीजें उसको छोड़ दो, दो चीजें चाहिए वो देख लो बस। ये रहा आपका कर्व और आपको पता है कि इसका सबसे पहले ये चीज खींचेगी, इसके ये क्यों है इसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी परफेक्टली इलास्टिक होती है तो आपका यहाँ पर एम आर इज इक्वल टू ए आर और आपका बी तीनों इक्वल टू ठीक है। अब ले यहाँ पर क्या आपका आउटपुट है, ये आउटपुट रहा और ये भी आपका आउटपुट है, ये भी तो आउटपुट है और आपको कंडीशंस की बात की तो ये आपकी कंडीशन रही, क्या कंडीशन ये चल पड़ी यहां से, ये क्या आपका ये यहां भी कंडीशन फुलफिल होगी, यहां भी कंडीशन फुलफिल होगी ठीक है। हमें क्या दिखाना बताओ, हमें दिखानी है एसी की रिक्वायर, हमें पता है कि अगर आपको सुपर नॉर्मल प्रोफिट दिखाना है तो हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है, ए आर ग्रेटर देन एसी ये फुलफिल करनी है ना ठीक है, इसको कर दो फुलफिल, ये लो इसको कम करके दिखा दो कम कर दिया आपने, इसको क्या लिया यहाँ से लिया उसमें ये क्या बन गया आपकी एसी और ये क्या बन गया जो भी पिछले पार्ट आया इसका सुपर नॉर्मल, ये ऐसे पूरा का पूरा कर आया समझ में मैडम। और फिर से बनाओ इसको, इसी बनाए बनाना है एक बार आपने, टीसी तो मैं दिया ही नहीं है, एवरेज कॉस्ट ले लो, एमआर कॉस्ट ले लो बस और कुछ नहीं देना।